हैफेड विभाग के मिली भगत कर आंगनवाड़ी केंद्रों पर भेजी जा रही खाद्य सामग्री के बड़े गोलमाल का खुलासा हुआ। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव सोप कासनी में छापेमारी कर पूरे मामले का पटाक्षेप किया। इस दौरान टीम ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर उतारी जा रही गेहूं और चावल के बैगों की जाँच की तो बैग में 4 से 5 किलोग्राम वजन कम पाया गया। टीम की शिकायत के आधार पर बोंद कला पुलिस ने कैंटर गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। आज जी हमारे गांव में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापा मारा गया। आंगनबाड़ी के अंदर जो सामान आता है गेहूं और चावल, उसमें भारी घपलाबाजी है। 4-4 किलो 5-5 किलो तक चावल कम है और गेहूँ भी कम है। गाँव में उस कट्टे को तोला गया, हर कट्टे में 3 किलो से ऊपर चावल कम मिला और ऊपर गेहूँ भी हर कट्टे में कम मिला। गांव में पहले भी कई बार शिकायत आई थी, हमने कही भी थी आंगनबाड़ी के, लेकिन आंगनबाड़ी वाले के पास ना कोई कांटा है तोलने के लिए, वैसे ही नग देकर चले जाते हैं। अगर ये नग 50 किलो का, जब नगों को तोला गया तो 45-46 किलो नग में वजन मिला गया। ऐसा भ्रष्टाचार देश में कहीं गरीजा हो रहा है। सरकार ने बहुत बहुत सीएम फ्लाइंग का धन्यवाद करते हैं हम, जिसने हमारे गांव में अगर छापा मारा और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जगह भी छापा मारा जाए। इसमें भी मिली भगत है ठेकेदार की और एफएड वालों की मिली भगत है। आज हमारे पास फोन आया था 1 बजे से कि आपके गांव पासड़ी में गेहूं चावल की सप्लाई आई हुई है और हमने यहाँ पे वजन किया है, वजन करने पर ये वजन कम पाया गया। कितना क्या कम पाया गया? 7 क्विंटल गेहूँ आना था जी, जिसमें यहाँ पे है 6 क्विंटल 74 किलो गेहूँ और 3.5 क्विंटल चावल आना था, ये 3 क्विंटल 29 किलो गेहूँ आया, चावल आया। दूसरे गांव में भी गए थे आप तो वहाँ पे भी कुछ क्या? सोप में गए थे, सोप में 5 क्विंटल गेहूँ आना था जो वहाँ पे भी 30-35 किलो कम था गेहूँ और चावल भी वहाँ पे कम है जी, 10-15 किलो चावल भी वहाँ पे कम मिला है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जो भी कार्रवाई होगी जी हमारा विभाग जो करेगा वो कार्रवाई हम करवाएंगे।